गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको 2.4 एक्सरसाइज के फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करवा दिया था, ठीक है। अब मैं आपको सेकंड पार्ट की ओर लेके चलता हूँ बेटा। हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है ना, क्वेश्चन को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। अभी तक हमने क्या किए थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज किया था। अब हमारे पास क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है, इसको हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो मैंने आपको कहा था कि लास्ट वाली टर्म के क्या कर लीजिए, के लिए फैक्टर कर लीजिए। माइनस 5 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, क्या लिखेंगे, द पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ माइनस 5 विल बी ठीक है। ये दो ही फैक्टर हो सकते हैं बेटा, अब इनके अलावा कोई और फैक्टर तो है नहीं। चलिए देखो, बाय ट्रायल, ट्रायल में मतलब ट्रायल से हम क्या करते हैं, x इज इक्वल्स टू प्लस 1 पुट करके देखते हैं, इसमें हमारे dx ठीक है, प्लस 1 मतलब 1। देखो P1 चेक कर रहे हैं, क्या इसमें ये जीरो बनता है, 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 माइनस 5 बेटा ये जीरो तो किसी हाल में भी नहीं बन रहा है, ठीक है। देखिए माइनस 17 प्लस 1 माइनस 16 जीरो नहीं बन रहा है, तो इट मीन्स मैं क्या करता हूं यहां पे माइनस 1 पुट करके देखता हूं। तो माइनस 1 देखिए, इन फैक्टर्स में से हमें एक वैल्यू पुट करनी है, उन फैक्टर में से जो मैंने लास्ट टर्म के फैक्टर किए ना, उनमें से कोई एक भी वैल्यू पुट करके देखनी है, छोटी से छोटी वैल्यू पुट करके देखनी है, उससे सॉल्व हो जाएगा। माइनस 1 क्यूब माइनस 3 माइनस 1 स्क्वायर माइनस 9 माइनस 1 माइनस 5 वो तो मैं माइनस माइनस रहा हूं, लेकिन मल्टीप्लाई में भी है, माइनस 1 की क्यों माइनस 1 माइनस 9 इंटू माइनस 1 प्लस 9 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 प्लस 9 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 9 प्लस 9 जीरो। अरे इट मीन्स p माइनस 1 पर ये क्या बन रहा है, जीरो बन रहा है। टी माइनस वन पर ये क्या बन रहा है, जीरो बन रहा है। देखो मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर एक्स प्लस वन किसी पी एक्स का क्या है, फैक्टर है, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पे ये क्या बनेगा, जीरो बनेगा। अब दूसरा उल्टा केस नहीं, इसको फाइंड करें, फैक्टर जो होगा दूसरा केस था ना, अगर पी वन कहीं जीरो बन रहा है या पी माइनस वन जीरो बन रहा है, माइनस वन पे जीरो बन रहा है, तो x is equal to minus 1 पे 0 बन रहा है ना, तो minus 1 को इधर ले आओ, तो x plus 1 is equal to 0, it means हम उसके factor को तो 0 के equal रखते हैं, it means ये जो x plus 1 है ना, उसका एक क्या है, factor है। हमने second statement of factor theorem क्या सीखा था बेटा, क्या था, if p a is 0 then x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p x, ये हमने सीखा। तो भाई माइनस 1 पे वो जीरो बन रहा है, ठीक है, तो p माइनस 1 पे जीरो बन रहा है, ठीक है, तो देयरफॉर x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p x, तो p x का एक फैक्टर होगा, ठीक है। तो बस मुझे और कुछ नहीं करना है, मैं पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल से मैं क्या करूंगा, x प्लस 1 को बाहर कॉमन लिखने की कोशिश करूंगा। देखो ये रहा, लीजिए
अब मुझे x प्लस वन सब में कॉमन बनाना है, वो कैसे बनाना है देखिए बता। मैंने लिखा x क्यूब, अब मेरी बात सुनिए, मुझे x प्लस वन बनाना है बेटा, तो x प्लस वन बनाने के लिए मुझे यहाँ पे x स्क्वायर प्लस का चाहिए, क्योंकि x स्क्वायर कॉमन आएगा तो ही तो अंदर ब्रैकेट में x प्लस वन बनेगा, क्योंकि x प्लस वन इस पूरे का फैक्टर है, तो वो कॉमन निकालना है मुझे, ठीक है कॉमन करना है। तो बेटा अगर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर लिखूंगा तो ही तो एक्स प्लस वन कॉमन आएगा, ठीक है। अब ये देखना यहाँ पे एक्स स्क्वायर मैंने लिख तो दिया, क्या यहाँ पे कहीं प्लस का एक्स स्क्वायर था? नहीं था, फिटनेस मैंने एक्स स्क्वायर को प्लस किया तो माइनस भी तो करना पड़ेगा, ठीक है, तो ही तो बैलेंस रहेगी ना ये चीज, तो ठीक है प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है तो माइनस एक्स स्क्वायर भी लिखूंगा। अब माइनस का एक्स स्क्वायर कहाँ जाएगा? माइनस थ्री एक्स स्क्वायर में क्या हो जाएगा? एड हो जाएगा, तो माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस के फोर एक्स स्क्वायर लिखिए, ठीक है माइनस के फोर एक्स स्क्वायर लिखिए। अब मेरी बात सुनो यहाँ पे, इसमें x प्लस वन बन जाएगा, अब नेक्स्ट टर्म में से मुझे ब्रैकेट में x प्लस वन बनाना है, तो मेरी बात सुनना यहाँ पे माइनस फोर एक्स स्क्वायर है, अगर मैं ये लिख दूं माइनस फोर एक्स तो इन दोनों में से क्या चीज कॉमन है? माइनस के फोर एक्स कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में अंदर क्या रह जाएगा? एक्स प्लस वन बन जाएगा, बन गया ना एक्स प्लस वन। लेकिन अब ये लिखा कैसे मैंने? फोर एक्स स्क्वायर तो चलो इससे बन गया, अब यहां माइनस नाइन एक्स है, इसमें से मैंने क्या चीज रख ली है यहाँ पे? माइनस फोर एक्स को यहाँ पे रख लिया। अब भाई माइनस नाइन एक्स में से मैंने माइनस फोर एक्स तो यूज कर लिया, बचा कितना? माइनस फाइव एक्स बचा ना, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा? माइनस फाइव एक्स, तो मतलब माइनस नाइन एक्स को मैंने ये ब्रेक कर लिया, ठीक है। तो चलिए भाई बचा क्या? माइनस फाइव, ये अब भाई इनमें से भी माइनस फाइव कॉमन ले लो, अंदर एक्स प्लस वन बन जाएगा, तो भाई देखो इसमें से मैंने क्या चीज कॉमन ली? एक्स स्क्वायर, क्या बचा अंदर? एक्स प्लस वन, फिर इनमें से फोर एक्स कॉमन है माइनस का, अंदर क्या बचा? एक्स प्लस वन, इनमें से माइनस फाइव कॉमन लिया तो भाई अंदर क्या बचा? एक्स प्लस, ठीक है। तो अब सब में इन सारी टर्म्स में एक्स प्लस वन कॉमन है, तो मैंने एक्स प्लस वन सब में से कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या बच गया? एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव, ये लीजिए, ठीक है। हमें फैक्टराइज करना था, हमने दो फैक्टर को फाइंड कर लिया, मतलब ये इंटू ये, अब इसको और फैक्टर में लाना है लीनियर पॉलिनोमियल में, एक लीनियर में आ गया, अब ये डिग्री टू का रहेगा, डिग्री टू वाले को क्या करना है? लीनियर पॉलिनोमियल के फैक्टर में लेके आना है। तो हमने कल ये किए हैं ना बेटा, कितने क्वेश्चन किए? चार पांच क्वेश्चन किए थे, तो बस इसको वैसे ही कर दो। तो px मेरा क्या है? x प्लस वन मल्टीप्लाई में ये जो पड़ा है, अब भाई मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल जो क्यूबिक था उसका तो तरीका वो कर ही रहे हैं, अब ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, तो भाई साइड वाले के फैक्टर करते हैं, फाइव के फैक्टर वन कॉमा फाइव ही होंगे, इसमें फोर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस के फाइव एक्स प्लस के एक्स, तो ये तो माइनस के फोर एक्स बनेंगे ना, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस के फाइव एक्स प्लस के एक्स माइनस फाइव, एक्स प्लस वन। अब देखिए इसमें से x कॉमन x माइनस फाइव, इसमें से कुछ कॉमन ही है, वन कॉमन ले लो तो x माइनस फाइव, x प्लस वन बाहर कॉमन है तो x माइनस फाइव दोनों में से कॉमन, और दूसरा x प्लस वन बन गया, तो ये तीनों फैक्टर क्या हो गए? x प्लस वन, x प्लस वन एंड लास्ट वन इज x माइनस, ये मेरा क्या है बेटा? आंसर, ये मेरा क्या है? आंसर है, मैंने इस तरीके से इस पॉलिनोमियल को क्या कर लिया? स्प्लिट कर लिया, ठीक है, इस तरीके से उसको क्या कर दिया? स्प्लिट कर दिया। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे, दोबारा वीडियो देखना बेटा, ठीक है, अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं इसका थर्ड पार्ट करवा देता हूं, आप लोग फिर क्या करोगे बेटा? फोर्थ पार्ट खुद ट्राई करोगे, ठीक है। अगर आपसे वो ना हो तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, मैं वो करवा दूंगा आपको, ठीक है बेटा। देखिए थर्ड पार्ट में क्या है,
एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। लास्ट वाली टर्म के फैक्टर कर लीजिए, लास्ट वाली टर्म 20 के फैक्टर, द पॉसिबल फैक्टर ऑफ 20 विल बी प्लस माइनस 1, ठीक है, प्लस माइनस 1, इतना ये लिखना नहीं जरूर कोई बात नहीं, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5, ठीक है, और बस इतना ही, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गया बेटा, फैक्टर हो गया। चलिए अब इनमें से हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए वो क्या है वो क्वेश्चन, हमारे जो ये पार्ट्स हैं, जो हमारे फैक्टर आए हैं, इनको हम ट्राई करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, लेट एक्स इज इक्वल्स टू, मैं माइनस वन कंसीडर करता हूं, ठीक है, क्योंकि सारी टर्म्स क्या है बेटा, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव रखोगे तो आंसर पॉजिटिव आंसर ही आएगा, ठीक है। तो माइनस वन रखोगे तो क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं ये कैंसिल होने के चांस बन सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैंने माइनस वन पे कोशिश की इसको जीरो बनाने की, बाय ट्रायल, ट्रायल पे पी माइनस वन बेटा क्या हो जाएगा, माइनस वन की क्यूब प्लस 13 माइनस वन पर स्क्वायर प्लस 32 माइनस वन प्लस 20, ये माइनस वन होगा प्लस 13 माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, ये देखिए 32 इंटू माइनस वन माइनस 32 हो जाएगा प्लस 20, अब देना माइनस वन और माइनस 32 माइनस 33 प्लस 13 इंटू प्लस 13 प्लस 20 प्लस ये 33 दैट विल बिकम जीरो, अरे ये जीरो बन गया, ठीक है, ये क्या बन गया है, जीरो बन गया। तो जीरो को हम क्या कर सकते हैं, अब अगर ये जीरो है, अगर p माइनस वन जीरो बन रहा है, इट मीन्स x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, सो बाय पॉलिनोमियल क्या था हमारा पॉलिनोमियल, एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। तो मुझे x प्लस वन इट में सब में कॉमन लेना है सेम उसी तरीके से, ठीक है। तो एक्स क्यूब लिखा, डेफिनेटली अब क्या आने वाला है, एक्स स्क्वायर ही आएगा, तो ही एक्स प्लस वन कॉमन बनेगा ना बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म में देखना क्या लिखूंगा मैं, यहां पे पी एक्स है हमारा, तो भाई अब मेरी बात सुनो, 13x² में से एक x² मैंने कॉमन मतलब रख लिया, तो कितने बचे 12x², तो ये मुझे 12x², अब मेरे को 12x+1 बनाना है, इससे तो x+1 बन गया, इससे भी x+1 बनाना है, तो 12x² के साथ 12x लिखूं तो ही तो x+1 बनेगा ना, तो अब x+1 इससे बन जाएगा, लेकिन 12x आया कहां से, 32 है भाई टोटल, 32 में से 12 मैंने लिख दिए, बचे कितने 20x, ये ठीक है, और लास्ट में क्या है 20 है। अब मैं इसको px को क्या लिख देता हूं, तो भाई x स्क्वायर कॉमन तो x प्लस 1 प्लस 12x कॉमन तो x प्लस 1 20 कॉमन तो x प्लस 1, अब सब में x प्लस 1 कॉमन आया जल रहा, तो ब्रैकेट में क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, तो एक्स प्लस 1 तो आउटर में है ही, मल्टीप्लाई में हम इसको स्प्लिट करना है भाई, 20 के फैक्टर 10 इंटू 2 होता है, तो 10 प्लस 2 12 भी बनाते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, मिडिल टर्म को मैंने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया 10x प्लस 2x से, ठीक है। चलिए तो x प्लस 1 बाहर है, तो x कॉमन x प्लस 10 प्लस 2 कॉमन x प्लस 10, तो px मेरा क्या बन गया, x प्लस 1 x प्लस 10 कॉमन और x प्लस 2, तो भाई फैक्टर क्या हो गए, x प्लस 1
एक्स प्लस टू एक्स प्लस टेन, ये मेरे क्या हो गए फैक्टर हो गए, ये मेरा क्या है आंसर। ठीक है बेटा, ये मेरा क्या है आंसर है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपने करना है बेटा। ठीक है, तो चलिए अब हमने ये सारे क्वेश्चन तो कर लिए। ठीक है भाई, आप लास्ट क्वेश्चन जो ये फिफ्थ क्वेश्चन है इसका फोर्थ पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे बेटा। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन आपको करवा दिया। अब आपको ले चलते हैं आइडेंटिटीज पर। ठीक है, कुछ आइडेंटिटीज आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आपने पढ़ी हुई है। ठीक है, उन आइडेंटिटीज पर बेस्ड क्वेश्चंस को हमने करना है। अब जो आइडेंटिटीज आपने पढ़ी हुई है मैं वो आपके सामने लिख दूंगा बेटा यहाँ पे। ठीक है, उन पे बेस्ड हमें क्या करने हैं क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो देखिए वो आइडेंटिटीज कौन कौन सी है। अलजेब्रिक आइडेंटिटी, फर्स्ट मैं लिख देता हूं आपके सामने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। सेकेंड देखिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। अब थर्ड देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है बेटा, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। फोर्थ जो आपने पढ़ी हुई है वो एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस बी, ये क्या होता है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, अब जो नई आइडेंटिटी है वो क्या है वो देखिए बेटा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, अब भाई ये क्या होता है, वहां पे दो वेरिएबल में तो चलो ये हो गया, अब तीन में क्या होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस टू जेड एक्स। ठीक है, अब सिक्स्थ जो आइडेंटिटी होती है, एक्स प्लस वाई की बेटा होल स्क्वायर तो पढ़ी है आपने ऊपर, मतलब ए प्लस बी एक्स प्लस वाई वेरिएबल कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब होल क्यूब क्या होती है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर। अब इसको एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस इसमें इसमें क्या कॉमन है, थ्री एक्स वाई इसमें भी है थ्री एक्स वाई इसमें भी है, तो थ्री एक्स वाई तो मैंने क्या ले लिया कॉमन, थ्री वाई और एक्स एक बार चला गया क्या बचा अंदर एक एक्स बचा, यहाँ पे थ्री चला गया एक्स चला गया एक वाई चला गया क्या बचा वाई बचा, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते। ठीक है, नेक्स्ट है सेवंथ नंबर, एक्स माइनस वाई क्यूब, तो ये होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर। भाई जहां वाई का स्क्वायर होगा नेगेटिव है ना वाई, तो क्यूब है तो नेगेटिव ही रहा, जहां स्क्वायर है वहां प्लस आ गया, क्योंकि माइनस का प्लस माइनस का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है प्लस होता है, तो प्लस आ गया। यहाँ अकेला है वाई सिंगल है तो नेगेटिव था, तो उसके कारण नेगेटिव आ गया। अब इसको भी कैसे लिख सकते हैं, इसको में लिख सकते हैं, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई मैंने कॉमन ले लिया ब्रैकेट एक्स माइनस। ठीक है, माइनस कॉमन आ गया ये प्लस का वहां माइनस, ये माइनस जो कॉमन आया बाहर उसके कारण ये माइनस का बचा। लास्ट एक बार वैसे तो और आइडेंटिटीज हम क्वेश्चन में प्रूफ हो जाएंगी, चलिए एक लास्ट आइडेंटिटी वो क्या है, अगर ये हो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz, वो क्या होता है भाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इस चीज का होता है x प्लस y प्लस z, फिर होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस जेड।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट है ना, लास्ट है लेकिन खत्म नहीं होते हैं, आपके लिए भी यहाँ पे लास्ट होगा, ठीक है। एक्सरसाइज में और भी आएंगे। तो ये हमारी आइडेंटिटीज हैं। मैं चाहता हूं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बेटा आप लोग ये सब आइडेंटिटीज को क्या कर लें, आप सीख लें, ठीक है। सीखने के बाद ही हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो ये आइडेंटिटीज आप इसमें लर्न कीजिए एंड इसके जस्ट बाद वाले वीडियोस में हम 2.5 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे बेटा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।